नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जी स्टिचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर आप BPSC बिहार दरोगा या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है आपका कि जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। याद रखिएगा दोस्तों कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। कब की बात है, तो ये 1857 की जब क्रांति हुई थी तब की बात है। उस समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह। ठीक है, और जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किए थे। किसने किए थे, कुंवर सिंह, और ये जगदीशपुर के रहने वाले थे कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो याद रखिएगा कि कोल्हापुर। ठीक है दोस्तों, कोल्हापुर जो था ये गडकरी विद्रोह का केंद्र था, कोल्हापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मणिकर्णिका जो था ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट है सवाल कि वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, तो मंगल पांडे। याद रखिएगा कि वर्ष के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया, मंगल पांडे। नेक्स्ट है अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, था दोस्तों रांची। याद किया कि रांची जो था ये बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है 407 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 407 नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई, ये की गई थी लखनऊ में। याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी, ये लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि किसने नारा दिया था, दिया कि मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, तो श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था, तो एक जाति एक धर्म एक ईश्वर किसने दिया था दोस्तों नारा, श्री नारायण गुरु ने दिए थे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। याद रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की, ये किए थे दोस्तों सत्यशोधक समाज की। ठीक है, यानी कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 411 नंबर सवाल है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, तो लॉर्ड रिपन। याद किया कि किस वायसराय के शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। अगला सवाल है 412 नंबर सवाल कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा, तो छोटा नागपुर। याद रखिएगा कि किस प्रदेश में, तो छोटा नागपुर के प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा। अगला सवाल देखते हैं 413 नंबर सवाल, 413 नंबर सवाल है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 को। याद रखिएगा कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 को। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, सवाल है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय। याद रखिएगा कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, ये हुआ था 1874 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 1874 ईस्वी को खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट है कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, मालाबार में मोपला आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी को हुआ था, और ये मालाबार कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। यानी कि मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। केरल के कहाँ, तो मालाबार में। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 417 नंबर सवाल है दोस्तों कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो गारो का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो भील विद्रोह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो भील विद्रोह घटना जो है ये महाराष्ट्र में घटित हुई। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 419 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों
419 नंबर सवाल आपके सामने है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। याद रखिएगा कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला सवाल आपके सामने है 420 नंबर सवाल। 420 नंबर सवाल है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अकबर थे। कौन थे? अकबर। यानी कि भारत का बादशाह उस समय कौन था? तो उस समय अकबर था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो लगभग 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी। याद रखिएगा कि कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 422 नंबर सवाल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था? तो जहांगीर। ठीक है, यानी अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था जहांगीर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, यानी सिंधु सभ्यता के घर जो है किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके 424 नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1921 ईस्वी को। कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो टेराकोटा। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग? तो टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुरान शहर था हड़प्पा। क्या था दोस्तों? यानी भारत में खोजा गया सबसे पहला पुरान शहर हड़प्पा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने। पलासी की लड़ाई कब हुआ था दोस्तों? तो 1757 को। याद रखिएगा 1757 को पलासी लड़ाई हुआ था। 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। तो पलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब हुआ था? 1757 को हुआ था। 1757 को फ्रांसी की लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? तो यह था हेक्टर मुंड्रो। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 को हुआ था। याद रखिएगा, तो हेक्टर मुंड्रो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे तो बैटिंग थे। ठीक है, यानी ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे बैटिंग। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 431 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 431 नंबर सवाल है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखिएगा कि सिखों के संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुकर चकिया मिसल। ठीक है, यानी रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुकर चकिया मिसल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसकी समाधि के कारण नन देर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यानी किसकी समाधि कारण? तो गुरु गोविंद सिंह समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है 437 नंबर सवाल। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था?
तो अवध, ठीक है। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को, तो अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, 439 नंबर सवाल आपके सामने, कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। याद रखिएगा दोस्तों कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, तो आर्थिक के क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, तो आर्थिक के क्षेत्र में। नेक्स्ट है अगला सवाल। सवाल है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी, तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी, ठीक है। बिछवाई थी किसने? जॉर्ज क्लार्क ने। अब किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? तो 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर चली थी। याद रखिए कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच 1853 को, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 442 नंबर सवाल, कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी। याद किया कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो यह था दोस्तों लाहौर। याद रखिएगा कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी कहाँ थी? लाहौर थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, तो जमींदार, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, तो जमींदार ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो बम्बई में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई शहर में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो वायनाड जनपद में, ठीक है। वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो कार्यकाल में। कब हुई थी दोस्तों? 1872 को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में हुई थी। अगर दशकीय आधार पर आपसे पूछे कि दशकीय आधार पर जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 449 नंबर सवाल। 449 नंबर सवाल है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, सॉरी भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 450 नंबर सवाल कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, ये था दोस्तों ब्राह्मण समाज। इसका स्थापना कब हुआ था? 1828 को ब्राह्मण समाज का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 में किया था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्राह्मण समाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 451 नंबर सवाल कि धर्मसभा के संस्थापक थे, तो राधाकांत देव, ठीक है। राधाकांत देव धर्मसभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, तो नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है। नरेंद्रनाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मुगतक किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो राजा राम मोहन राय के, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? 1829 को सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अच्छा, राजा राम मोहन राय का
राजा को उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ये था धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा के। ठीक है, यानी आर्य समाज धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा के ये विरुद्ध था। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1875 को हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 455 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 455 नंबर सवाल है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, 456 नंबर सवाल है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय के। ठीक है, राजा राम मोहन राय के मृत्यु जो है ये भारत से बाहर हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अगला सवाल कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना। ठीक है, याद रखिएगा कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 को। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसी आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, यानी किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अच्छा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। ठीक है, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट है अगला सवाल, 461 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइपिंग हो गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ। ठीक है, फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री ये देव समाज का संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। ठीक है, यानी कि ब्रह्म समाज जो है जिसका स्थापना 1828 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया था। और एकेश्वरवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापात्र पत्र नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, किसने कहा था? तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापात्र नहीं है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहे थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 467 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 467 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से चोल राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो तंजौर थी, ये जो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै। याद रखिएगा कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वह था दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अच्छा गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? याद रखिएगा कि गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो 1961 को आज़ाद हुआ था। याद रखिएगा कि इंडिया आज़ाद कब हो गया था? 1947 को हो गया था, लेकिन गोवा पर कब्जा किसका था? पुर्तगालियों पर। गोवा पर कब्जा किसका था? पुर्तगाली का। और गोवा पुर्तगाली
गोवा से पुर्तगाली कब गए थे? तो 1961 को गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने 470 नंबर सवाल कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगाली, ठीक है। यानी सबसे पहले पुर्तगाली ने ही भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। याद रखिएगा कि वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था, और अमेरिका खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 को किया था, और 1498 को वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों 473 नंबर सवाल है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो वह सर टॉमस रो, ठीक है। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो सर टॉमस रो ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में। याद रखिएगा कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो, ठीक है। यानी कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। तो ये धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, कहाँ? तो शिकागो। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब, ठीक है। शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वेलूर में। याद रखिएगा कि वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 480 नंबर सवाल कि संवाद कौमुदी पद के संस्थापक थे? संपादक थे तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। यानी कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? मूल शंकर। क्या था दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब, ठीक है। अवध के नवाब जो थे ये नवाब वजीर कहलाते थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 485 नंबर सवाल कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। याद रखिएगा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने, ठीक है। आदि ग्रंथ जो है ये संकलित किया था किसने? तो गुरु अर्जुन ने। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो खड़क सिंह। याद रखिएगा कि खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो था हुगली, ठीक है। यानी कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की कहाँ की गई थी? तो हुगली में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने कब 1498 को किया था, कोलंबस ने अमेरिका खोज 1492 को किया था, कोलंबस ने अमेरिका का खोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए दोस्तों अगला सवाल है 491 नंबर सवाल आपके सामने है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सूर और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार, याद रखिएगा कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सूर और अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है 492 नंबर सवाल, किसने कहा कि मराठों का उदय आसमिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ग्रांट डफ, ठीक है, किसने कहा? तो ग्रांट डफ ने कहा मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शिवजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़, ठीक है, शिवजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, याद रखिएगा कि शिवजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे? शिवाजी के, याद रखिएगा कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के। नेक्स्ट देखते हैं अगला 497 नंबर सवाल। 497 नंबर सवाल है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, ये केरल में हुआ था, याद रखिए कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय, याद रखिएगा कि चैतन्य महापुरुष जो है ये किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था। नेक्स्ट है आज का लास्ट सवाल, 500 नंबर सवाल। सवाल है कि महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का, याद रखिएगा कि महमूद बेगड़ा जो था ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था, ठीक है दोस्तों। तो हमने टोटल 100 सवाल कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।